वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर रुचिवर्धन मिश्र द्वारा शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अवैध गोरख धंधा संचालित करने वाले सरगना सहित ग्रोहों की धर पकड़ कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना तेजाजी नगर क्षेत्र में एक मकान में अवैध रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना तेजाजी नगर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मौके पर तबिश दी तो वहां से अवैध रूप से देह व्यापार चलता पाया गया, जहां ग्राहक तथा सेक्स वर्कर युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। 7 आरोपियों को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22,470 रुपए, आपत्तिजनक सामग्री व 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना तेजाजी नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपियों में महिला संचालिका ने पूछताछ पर बताया कि काफी समय से अनैतिक देह व्यापार का धंधा किराए का मकान लेकर कर रही है। संचालिका ने बताया कि उसके मुंबई और कोलकाता में भी दलाल हैं।